टू फाइंड द स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पर भी आपको स्क्वायर रूट निकालना है, क्वेश्चन वन की तरह ही निकालना है। क्वेश्चन वन में क्या पूछा था, स्क्वायर रूट पूछा था, यहाँ पर भी आपको स्क्वायर रूट ही निकालना है, बट मैथड है हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन। इसमें क्या करते हैं हम, जैसे हम एलसीएम निकालते हैं वैसे ही आपको निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन, तो फैक्टर्स के हिसाब से करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस बनाएंगे 7744। तो देखिए लास्ट डिजिट क्या आपकी 4 है, तो 4 किससे डिविजन होता है, 2 से। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे छोटे डिजिट से, हमेशा स्मॉल डिजिट आप यूज़ करेंगे। तो 2 के टेबल में 7 को आता है, आता नहीं है, तो 2 3 6 1 कैरी, क्योंकि अगर हम 7 में से 6 माइनस करेंगे तो 1 बच जाएगा, तो 1 कैरी जाएगा इसमें, तो जाएगा 17। 2 8 16 और 17 में से 16 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, तो ये कैरी जाएगा इस पर, तो ये जाएगा 14। 2 7 14 और ये 2 2 4। देन लास्ट डिजिट 2 है, तो हम फिर 2 से करेंगे, 2 1 2 यहाँ पर कैरी, तो 9 18 हो गया, 2 9 18, 2 3 6 और 2 6 12, क्योंकि 3 तो आता नहीं है, तो अगर हम करेंगे तो क्या होगा, वो माइनस हो जाएगा, 3 में 2 जाएगा तो इस पर एक कैरी जाएगा 1, तो आपका जो रिमाइंडर बचता है वो यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड होगा। अब देखिए लास्ट डिजिट फिर से 6 है, 6 डिविजिबल है 2 से, तो हम 2 यूज़ करेंगे फिर से, 2 9 18 यहाँ पर ही हो गया 13, तो कितनी बार बचेगा, अब आप करेंगे 2 6 12 एंड यहाँ पर फिर कैरी, 2 8 16। लास्ट डिजिट 8 है, तो फिर से 2 से जाएगा, 2 4 8 2 8 16 2 4 8 2 2 4 2 4 8 2 2 4। अब फिर कीजिए 2 1 2 2 2 4 2 1 2। अब 121 किससे जाएगा, ये किसी से जाता नहीं, सिर्फ 11 से जाता है, तो हम 11 से डाइट करेंगे, 11 11 जा, तो ये आ गया हमारा फिर से 11 वन जा ये, तो हमारा स्क्वायर रूट क्या हो गया, हमारा नंबर क्या था 7744, इसका स्क्वायर रूट पूछा था, तब अंडर रूट में लिखिए, ये स्क्वायर रूट इसको बोलते हैं, अगर आप यहाँ लिख देंगे तो क्यूब हो जाएगा। तो अब कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 6 से 2 है, तो आप लिखिए 2 into 2 into 2 into 2 4 हो गए 5 6, और ये अंडर रूट में लिखना है। और अभी और बचा है हमारा ये, यहाँ पर स्पेस नहीं तो मैं यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है, 11 into 11, ये अंडर रूट के अंदर है। अब अंडर रूट में आप क्या करेंगे, दो दो का पेयर निकलेगा, ये एक पेयर, ये एक पेयर, ये एक पेयर और एक ये एक पेयर, तो क्या आएगा, दो में का एक निकलेगा, दो में से एक, तो यहाँ से एक निकला 2, यहाँ से एक 2 निकला, यहाँ से एक 2 निकला और यहाँ से एक 11 निकला। अब मल्टीप्लाई कीजिए सबको, 2 2 4 4 2 8 8 11 88, तो हमारा स्क्वायर रूट कितना निकला 88। 7744 का हमारा स्क्वायर रूट कितना निकला 88।